पेज नंबर 81A, चेक करो बुकलेट का पेज नंबर 81A। ये कंटिन्यू कर रहे थे ना पिछली बार, फैन फैन चलाइए, फैन देखो पेज नंबर 81A हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये सब्जेक्टिव शीट के अंदर था मिरर्स में जो हमने किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, हमने क्लास एक्स्ट्रा क्लास जब ली थी उसमें ये किया था, ये भी हमने कर लिया था कार वाला एग्जांपल। यहाँ से शुरू करना है, एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, देखा हुआ है क्वेश्चन नहीं कर लिया सॉल्व, देखो जरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, शॉर्ट लीनियर रॉड हैविंग लेंथ एल इज प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ एफ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द रॉड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज यू, शो दैट साइज ऑफ द इमेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो बेसिकली है क्या, इसमें यह बताया गया है कि एक रॉड है और वह एक्सिस के अलोंग पड़ी हुई है, उसकी कोई लेंथ है एल, और आपको क्या निकालना है, इमेज का साइज बताना है क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक रॉड लो, ठीक, आप मिरर से उसका पहले एक एंड पॉइंट लो u1, एक एंड पॉइंट लो u2, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली v1 v2, फिर v2 माइनस v1 इमेज का साइज आ जाएगा। ये चीज इसमें करनी इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको इसके कोने का डिस्टेंस नहीं पता कितना है, आपको ये तो पता है कि रॉड का डिस्टेंस कितना है। अब रॉड का मतलब क्या, रॉड के मिड पॉइंट का डिस्टेंस पता है, तो आपको कैलकुलेशन वाइज आप इसको शायद प्रूव ना कर पाओ, लेकिन अपने टर्म में आंसर जरूर निकाल सकते हो। अगर एग्जैक्टली सेम आंसर चाहिए, एक और मेथड है कि आप इसमें क्या करो, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, मान लो ये डी यू है, डी यू का मतलब समझते हो कि जैसे ये मिरर है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये पोजीशन क्या है u1, ये पोजीशन क्या है u2, तो इसका डिफरेंस क्या है u2 माइनस u1, इसको क्या लिख लिया du, और du इस केस में क्या है लेंथ ऑफ द रॉड l। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आगे, और dv का मतलब इमेज का साइज, जो भी v2 और v1 आएगा उसका डिफरेंस होगा वो इमेज का साइज होगा। और du और dv का रिलेशन निकालने के लिए मिरर का फॉर्मूला लिखो, इसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यू रेज टू पावर माइनस की डिफरेंशिएशन माइनस वन यू रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी यू, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये टर्म और ये टर्म आएगी, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक, यहां से डी वी और डी यू का रिलेशन आ गया, डी यू क्या है एल, डी वी क्या है इमेज का साइज, और ये क्या आ गया वी बाई यू। और मिरर के लिए हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीखा था वी बाई यू, और f और u की फॉर्म में उसका फॉर्मूला हमने सीखा था माइनस v बाई यू या f बाय f माइनस u। तो आप v बाई यू की रेशियो को पुट कर सकते हो f बाय f माइनस u, तो आपके पास इमेज का और ऑब्जेक्ट के साइज का रिलेशन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, कोई डाउट है इसमें?
ठीक, ये चीज़ क्लियर है। स्पेशली मेडिकल वालों को डिफ्रेंसिएशन वाला स्टेप आ रहा है, नहीं तो उनको ऐसे सीखना है कि यू और वी की डिफ्रेंसिएशन, जैसे ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f है, जब इसको इसको लिख सकते हो u की पावर -1, v की पावर -1, f की पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 u^-2 इनटू फर्दर डिफ्रेंसिएशन du प्लस -1 v^-2 इनटू dv और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। तो -1/u का स्क्वायर du -1/v का स्क्वायर dv। अब ठीक है, अब आ जाएगा, तो ऐसा कुछ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये क्वेश्चन बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में। देखो, इसमें वन फेस ऑफ अ ग्लास क्यूब ऑफ साइड 0.06 मीटर इज सिल्वर्ड। तो एक ग्लास का एक फेस सिल्वर कर दिया, इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.07 मीटर फ्रॉम द फेस ऑपोजिट टू द सिल्वर्ड फेस। तो ऑब्जेक्ट को 0.07 मीटर पर रखा गया। लुकिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी 0.11 मीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस और कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। देखो, आप इस ज्योमेट्री को थोड़ा आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये एक क्यूब है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपको ये कहा जा रहा है कि अनसिल्वर्ड फेस से ऑब्जेक्ट की दूरी 0.07 है। तो एक डायग्राम में ये बन जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की साइड से इसको देखोगे तो ये तो एक ग्लास स्लैब है जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपको आपका मिरर यहां नजर नहीं आएगा, थोड़ा पास नजर आएगा, वो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला चक्कर। अगर पानी होगा या डेंसर मीडियम होगा तो आपको चीज पास नजर आती है, तो आपको मिरर यहां नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में मिरर तो वही है। आपको आपका मिरर यहां नजर आएगा, कितने डिस्टेंस पास नजर आ रहा है, जितना भी पास नजर आ रहा है, मान लो नया डिस्टेंस कितना है एक्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप यहां से देखो तो आपको ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब आपको ऐसा लगा कि आपकी इमेज 0.11 मीटर दूर है। अब किससे आप जब देखोगे तो आपके लिए मिरर ये थोड़ी ना, आपके लिए मिरर तो ये है, तो इससे 0.11 मीटर दूर है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपके लिए तो आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए इमेज ये बन गई, तो ये डिस्टेंस जो है वो 0.11 है, ये डिस्टेंस 0.07 है, और आपको साइड ऑफ क्यूब गिवन है 0.06, क्वेश्चन में गिवन है 0.06 हो गया, और आपको ये डिस्टेंस कितना गिवन है x। आपके लिए मिरर तो यही है। मिरर की क्या प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। तो इमेज कितनी दूरी पे है 0.11, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 0.06 प्लस नहीं x प्लस 0.07 x प्लस 0.07। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसमें कि 0.11 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस दैट इज x प्लस 0.07। तो यहां से x आ गया आपके पास। तो जो पर्सन यहां से इस मिरर को देख रहा है उसके लिए ये डेप्थ रियल डेप्थ है मिरर की, और ये डेप्थ एपरेंट डेप्थ है। तो रियल डेप्थ तो पता ही है कितनी है 0.06, एपरेंट डेप्थ कितनी है जितना x है, और x कितना है 0.04,
और रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया. पॉइंट समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया? तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको मिरर की पास की पोजीशन देखनी है और किसी तरीके से आपको रियल और अपेरेंट डेप्थ निकालनी है. एक बार रियल और अपेरेंट डेप्थ आ गया, उनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको ज्योमेट्री सही बनानी है, उसके बाद रियल और अपेरेंट डेप्थ आप ज्योमेट्री से निकाल लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन मिसिंग है बीच में मेरे, कोई प्रिज्म का है वो आप हो जाएगा. प्रिज्म अभी किया हमने, वो 90 डिग्री वाला ही है अभी जो हमने किया शायद. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये लेंस वाला क्वेश्चन, इसके ना स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, कुछ लिख लो उसके ऊपर इनकम्प्लीट, पर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं कि गिवन क्या है और निकालना क्या है. आपको क्वेश्चन के अंदर एक कन्वेक्स लेंस गिवन है, कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबा गिवन है. आपको इसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से गिवन है 20 20 गिवन है. इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है और फोकल लेंथ इसकी गिवन है कोई 10. ठीक ठीक है यहां तक? आपको यह बताना है कि जो इसकी इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी. अभी थोड़ी देर पहले किया भी था ये क्वेश्चन ऐसा, पर वो मिरर के साथ था, ये लेंस के साथ है. बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप इस लेंथ के लिए इसको ऑब्जेक्ट मान लो पहले, फिर इसको ऑब्जेक्ट मान लो, इसकी इमेज निकाल लो V1, इसकी इमेज निकाल लो V2, V2 V1 को माइनस करके इमेज का साइज आ जाएगा. कहने का मतलब इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? ये कितना है? 20. 20 में से 5 गया 15. तो ए पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट इज -15 और बी पॉइंट जो है ये कितना है? 20. 20 में 5 ऐड किया 25. तो आप चेक करो, दो केस बनाए हुए हैं इसने. एक में यू कितना है? -15. एक में यू कितना है? -25. फोकल लेंथ दोनों में सेम है. लेंस का फॉर्मूला लगा के V1 और V2 आ गया. V1 30 है, V2 16.67 है. दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी. वही सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने यूज़ किया कि जब भी रॉड पड़ी होगी और रॉड के सारे डिस्टेंसेस गिवन होंगे कॉर्नर्स के, तो U1 U2 को लेके आप V1 और V2 निकाल लेना, और V1 V2 को डिफरेंस से क्या जाएगा आपके पास? इमेज का साइज आ जाएगा. मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. ये क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेडिकल के लिए शायद नहीं आएगा, मेडिकल वालों के लिए, पर फिर भी समझ सकते हो. तो नॉन मेडिकल में तो आया ही हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है. क्वेश्चन ये है, एक एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, और medium 1 medium 2 दो मीडियम है. प्लेन के ऊपर अलग मीडियम है, प्लेन के नीचे अलग मीडियम है. medium 1 जो है That is z is equal to 0, ये ओरिजन है,
जेड ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? ऊपर। जेड लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नीचे। ऊपर के मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, नीचे के मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है, रूट टू रूट थ्री। ठीक हो गया। रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे ऑफ लाइट आई, बेंडिंग हुई, रे ऑफ लाइट ए वेक्टर है और जाने वाला ए डैश वेक्टर है और ये के कैप है, ये माइनस के कैप है। ठीक। इसके अंदर क्या निकालना है? वो कह रहा है कि ए वेक्टर तो मैं आपको दे रहा हूं, इंसिडेंट लाइट तो मैं आपको दे रहा हूं, क्या है ए वेक्टर। आपको इसमें क्या निकालना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको ए डैश वेक्टर निकालना है, लेकिन इट शुड बी अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। यूनिट वेक्टर निकालो जो इस मीडियम टू में जाएगा। ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने लास्ट टाइम किया था रिफ्रैक्शन वेक्टर फॉर्म में। इंसिडेंट लाइट अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो रिफ्रैक्टेड लाइट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखनी है, इसका एक फॉर्मूला करवा दिया था, उसमें वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे बेटर तरीका या वही तरीका है लेकिन किसी और तरीके से किया जा रहा है इसे। कैसे? हमने ए डैश वेक्टर निकालना है, हमें इसके लिए आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे आई एंड आर, फिर क्वेश्चन स्नेल लॉ से होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले गिवन क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आएगा 20। ठीक, मैग्नीट्यूड आ गया ए वेक्टर का। आपको अब आई एंगल निकालना है। आई एंगल, आई एंगल कैसे निकलता है? हमने रिफ्रैक्शन को किया था वेक्टर फॉर्म में, हमने ऐसे किया था कि ये ए वेक्टर है, आगे कंटिन्यू कर लो, और ये के कैप है, तो एंगल उनके बीच में क्या था? कॉस ऑफ 180 माइनस आई। लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका भी है। कैसे? कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू, आप इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए कि आप ए वेक्टर इस तरफ नहीं है, ए वेक्टर इस तरफ है। अब उल्टा वेक्टर लेने के लिए मेरे को ए वेक्टर के आगे साइन क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। इधर लगा दिया, इधर लगा दो, एक ही बात है, माइनस साइन तो कहीं भी, माइनस ए वेक्टर। तो मैं एंगल ढूंढूंगा माइनस ए वेक्टर का और के कैप का, तो आई एंगल आ जाएगा। तो एंगल कैसे ढूंढते हैं वेक्टर से? फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा याद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। या फिर ऐसा कर सकते हो, ए वेक्टर को ऐसे रखो जैसे आ रहा है, के कैप यहां लेने की बजाय नीचे ले लो माइनस के कैप, तो एक ही बात है क्योंकि ये जो एंगल आएगा वो ऑटोमेटिकली आई आएगा। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है, माइनस ए वाला। माइनस ए वेक्टर ले लो, माइनस ए वेक्टर का मतलब कि आ तो ऐसी रहे रे, पर माइनस ए वेक्टर और के कैप के बीच में सीधा एंगल आई दिख ही रहा है आपको, तो माइनस ए वेक्टर और के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 20 है और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। सॉल्व करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर कितना आएगा? 60। तो आपको कम से कम आई तो पता लग गया 60 है, आई आ गया आपके पास। ठीक, आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 60 है। अगर आई आ गया तो आर तो आप निकाल ही लोगे स्नेल्स लॉ से। तो म्यू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रूट टू है, रूट टू इंटू साइन ऑफ आई इज रूट थ्री इंटू साइन ऑफ आर, रूट टू इंटू साइन आई, रूट थ्री इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर की वैल्यू, आई की वैल्यू आपको 60 पता है, आई की वैल्यू 60 पता है, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर कितना आ गया? 45। आई आपने डॉट प्रोडक्ट से निकाल लिया, आर आपने स्नेल लॉ से निकाल लिया। अब मान लो जो रे नीचे जा रही है उसके इस प्लेन में, दैट इज एक्स वाई प्लेन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है, तो इसमें सिर्फ के कैप के अलोंग कंपोनेंट चेंज होगा, दैट इज जो ए डैश वेक्टर होगा उसमें एक्स और वाई में तो कोई चेंज नहीं है, ये जे कैप आएगा यहां इसके पीछे। लेकिन जो जेड एक्सिस है उसके आगे मुझे पता नहीं क्या नंबर लगेगा, तो लेट अस सपोज कितना आ गया? सी। और यही तो मुझे निकालना है, एंड दिस शुड बी अ यूनिट वेक्टर ऑल्सो, क्वेश्चन में गिवन है दिस शुड बी यूनिट वेक्टर। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि जो वेक्टर ए डैश है उसमें एक्स और वाई के कोफिशियंट में कोई चेंज नहीं क्योंकि वो जेड एक्सिस के अलोंग अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो यहां सी लगा लिया। फिर से एक बार कॉस आर निकाला, कॉस आर, कॉस आर किसके किस बीच में? ए वेक्टर में और माइनस के में, ए वेक्टर ए डैश वेक्टर में, सॉरी, ए डैश वेक्टर और माइनस के में डॉट प्रोडक्ट लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर तो वन ही आएगा, नहीं वन ही आएगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या है, तो अंडर रूट ऑफ दिस 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 का स्क्वायर और के कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो यहां पर ए डैश की जब वैल्यू पुट करोगे
ए डैश की और डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास सॉल्व करके सी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेके सारी वैल्यूज पुट करके सी आएगा। सी की दो वैल्यूज आएंगी प्लस एंड माइनस, आपने प्लस नहीं लेनी माइनस लेना है क्योंकि रे कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, और नीचे का मतलब जेड कॉम्पोनेंट पॉजिटिव नहीं होगा, जेड कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, तो माइनस में लेना है। तो ए डैश वैक्टर आपके पास ये आ जाएगा, ए डैश का मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ गया। आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, और हमने डिस्कस किया था प्लस वन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको वेक्टर तो पता लग ही चुका है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, ये जो आंसर आएगा इसका यूनिट वेक्टर होगा। एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, कम से कम मेंस और नीट में तो नहीं, बट छोटे छोटे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं कि हो सकता है एक छोटा सा पार्ट आ जाए इसका, सिर्फ आई निकालने को आ जाए या आर निकालने को ही आ जाए वेक्टर फॉर्म में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। नहीं, इतना नीट और मेंस में तो मुश्किल है, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक छोटा सा पार्ट बोल रहा हूँ, इसी के चार क्वेश्चन तोड़ के एक क्वेश्चन बना देगा बस, गिवन ए वेक्टर फाइंड आई, बस इतना दे ही सकता है, एंगल कौन सा है तो निकाल ही लेगा। ठीक है।